ओके पूनम मैम, इट्स लाइव, आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपना। मैं पूनम सिंह आसियाना हूँ। हेलो एवरीवन, हेलो चांदना जी, हेलो पूनम जी, हेलो। तो आज का जो हमारा सेशन है वह नेचुरोपैथी के ऊपर है। वैसे तो हमारी चिकित्सा पद्धति बहुत सारी हैं, जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे हम नेचुरोपैथी के बारे में करेंगे। नेचुरोपैथी एक बहुत पुरानी पद्धति है, जो यदि इसका इतिहास के बारे में जाना जाए तो ये उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी सृष्टि है। क्योंकि जिस समय हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ वैसे ही उसी समय से नेचुरोपैथी की चिकित्सा चली आ रही है। तो नेचुरोपैथी की उपयोगिता हम किसी चीज की उपयोगिता जब मानते हैं जब हम उसके बारे में जानते हैं समझते हैं। नेचुरोपैथी जो है वो बहुत पुरानी सस्ती सरल विधि है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रोगों को अपने बिना किसी भी मेडिसिन के, खाली हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, जल, मिट्टी, अग्नि, पृथ्वी। इन इन चार पांचों पांच तत्व हमारे से सृष्टि का निर्माण हुआ है और इन्हीं पांचों तत्व से हम प्राकृतिक चिकित्सा में अपनी चिकित्सा करते हैं। तो अगर इसके इतिहास को जाने हैं तो इसके इतिहास में कुछ पाश्चात्य विद्वान हुए हैं जो पश्चिमी देशों के विद्वान थे, उसमें ये बहुत मुख्य रूप से जो थे, एक रेकली का नाम विशेष रूप से आता है, रेकली का धूप स्नान। रेकली बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे जो जिन्होंने इस नेचुरोपैथी को बहुत ही प्रचार प्रसार किया। उसके साथ ही एडोल्फ जूल्स थे और लुई कुने थे। तो ये 3-4 नाम जो हैं प्रमुख हैं, और इन लुई कुने की जो प्राकृतिक चिकित्सा थी उससे हमारे महात्मा गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने सबसे पहला 1946 में उर्ली कांचन में पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नेचुरोपैथी का सेंटर खोला था। अब वैसे भी महात्मा गांधी कब्ज रोग से बहुत पीड़ित थे और उन्होंने अपने इलाज के लिए इस नेचुरोपैथी को पूर्ण रूप से अपना कर अपना इलाज स्वयं किया था। इसके साथ ही साथ कुछ और भी हमारे इंडियन जो हैं वो डॉक्टर और ये के नेचुरोपैथी के को जिन्होंने पूर्ण रूप से अधिक तरह से प्रयास किया, जैसे एक विट्ठल दास मोदी जो गोरखपुर के थे, डॉक्टर लक्ष्मण दास शर्मा जो तमिलनाडु से थे, और डॉक्टर कुल रंजन मुखर्जी जो कलकत्ता से थे, और विनोबा भावे। इन सभी लोगों ने नेचुरोपैथी के विषय में बहुत प्रचार प्रसार किया और हमारे देश में भारतीय पद्धति में इस नेचुरोपैथी को बहुत आगे बढ़ाया। इसके साथ ही यदि प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत हैं, यदि हम उन सिद्धांतों को न जाने बिना तो हम प्राकृतिक चिकित्सा नहीं कर सकते, उन सिद्धांतों को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ये 10 सिद्धांत हैं, पहले इनके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जैसे कि सभी रोग एक हैं, उनके कारण एक हैं और उनकी चिकित्सा भी एक है। नेचुरोपैथी में सभी रोगों का कारण विजातीय तत्व, जैसे कि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन होते हैं उनको माना है, तो उनका कारण भी एक ही है। सभी रोगों को विजातीय तत्व, विजातीय दर्व के रूप में माना है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर खूब सारे टॉक्सिन हो जाते हैं तो उनको निकालने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने को ही उन्होंने रोग का कारण माना है और उनकी चिकित्सा भी वही मानी है। इसलिए ये सिद्धांत ये दर्शाता है कि सभी रोग एक हैं, सबके कारण एक हैं और सबकी चिकित्सा भी एक है। क्योंकि रोग को उन्होंने जब बॉडी के अंदर बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन बजाते हैं तो वे वात, पित्त, कफ किसी भी रूप में शरीर के जिस अंग में बैठ जाते हैं उसी अंग के अंदर से वो बॉडी को बीमारी पैदा कर देते हैं। जैसे यदि हमारे कफ के रूप में जम गए तो हमारा बलगम, खांसी, श्वास रोग हो जाएगा,
वात के रूप में, जोड़ों के दर्द में, जोड़ों में अगर वह जम गए तो हमारे अर्थराइटिस इस प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा, और यदि पित्त के रूप में हुए तो हमारे एसिडिटी, स्किन रोग, एक्जिमा, इस प्रकार के रोग उत्पन्न वह करेगा। तो इस प्रकार से ये अगर जो सब जगह पे जैसे ये जम गए तो इनकी चिकित्सा क्या होगी, इनकी चिकित्सा ये होगी कि बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा, बॉडी के जो अंदर टॉक्सिन है वह बाहर निकालने पड़ेंगे, बॉडी की सफाई करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये पहला सिद्धांत है, सभी रोग एक है, उनके कारण एक है, उनकी चिकित्सा भी एक है। तो दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि रोग के कारण कीटाणु नहीं है। तो ये मानते हैं जैसे कि एलोपैथी में या दूसरी जगह डॉक्टर मानते हैं कि रोग के कारण जो कीटाणु है, वायरस है जो बॉडी के अंदर जाते हैं, तो उसके कारण ही हम हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो यदि आप ये दरवाजा बंद कर लो ना, आप ये दरवाजा बंद करो, यदि रोग के कारण कीटाणु नहीं है तो वो कीटाणु या वायरस को नहीं मानते, क्योंकि अगर कीटाणु एक स्वस्थ शरीर में रोग पैदा नहीं कर सकते, यदि आपका शरीर स्वस्थ है और आपके शरीर में कोई टॉक्सिन नहीं है, तो जब कोई कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसको वहां का एनवायरमेंट मिलता है और उस एनवायरमेंट में वो कीटाणु पनपते हैं और रोग को पैदा करते हैं। एक स्वस्थ शरीर में कीटाणु पनप नहीं सकते और वो रोग पैदा नहीं कर सकते, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि रोग के कारण कीटाणु को नहीं मानते। तीसरा सिद्धांत है तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। तो तीव्र रोग क्या है, खांसी, नजला, जुखाम, बुखार। तो इन तीव्र रोगों को जो अचानक बड़ी तेजी से आते हैं इनको वह शत्रु नहीं मानते बल्कि मित्र मानते हैं। ये कहते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन हो जाते हैं और बॉडी के अंदर जब वो किसी ना किसी भिन्न भिन्न रूपों में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं और हमारे बॉडी की सफाई करते हैं, बॉडी के क्लीन, बॉडी को क्लीन करते हैं, तो इसीलिए ये तीव्र रोग आते हैं। जैसे खांसी होगी, बलगम अंदर जमा तो वो खांसी जुकाम के रूप में नाक बहेगा तो वो साफ हो जाएगा, तो वो बुखार आया तो ये तीव्र रोग जो एकदम से आते हैं ये हमारे शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं, क्योंकि ये हमारे वो बॉडी की सफाई करने के लिए और बॉडी को साफ करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। चौथा इनका सिद्धांत है प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। तो ये मानते हैं कि बहुत पुराने समय से इतने पशु पक्षी हैं, चिड़िया हैं, ये कुत्ता है, बिल्ली है, सब जानवर हैं, तो इनका इलाज कौन करता है, इनके पास कोई डॉक्टर नहीं होता। और जब इनके इलाज के लिए प्राचीन समय तो में तो मनुष्य के लिए भी डॉक्टर नहीं होते थे, तो वो कभी बीमारी नहीं होते थे क्योंकि वो प्रकृति से अपना स्वास्थ्य लाभ लेते थे, प्रकृति के जो पांच तत्व हैं उन्हीं से लाभ लेकर वह स्वयं अपनी चिकित्सा कर लेते थे। लेकिन अब इंसान क्या है, वो डॉक्टर के पास भागता है, दवाई लेते हैं, कुछ तो उसमें बीमारी का रोग और कुछ जो औषधि हम लेते हैं ये एंटीबायोटिक ये सब इनके इनका रोग, तो वो और रोग हमारा क्रॉनिक हो जाता है, जीर्ण रोग हो जाता है। वह प्रकृति के अंदर इतनी क्षमता है कि वह अपनी अगर हम प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें और प्राकृतिक जीवन जिए तो हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। इस प्रकार से जैसे एक उदाहरण भी दिया गया है कि एक डॉक्टर थे, उन्हें कुछ रिसर्च करनी थी, तो मैं देखते थे कि भाई इसको प्रकृति कैसे इलाज करती है। तो वह करते करते वो एक बार जंगल में चले गए, जंगल में गए तो वहां उन्होंने एक पेड़ के ऊपर वो देखते थे कि प्रकृति स्वयं कैसे इलाज करती है। तो पेड़ के ऊपर एक अपना स्थान बनाया और पेड़ के ऊपर बैठ गए और अपनी टीम ली, अपना खाना पीना पूरी चीजों को उन्होंने वहां पर लेकर अपना एक स्थान बनाया और वो देखना चाहते थे कि प्रकृति के जो वन्य पशु जीव हैं वो कैसे स्वस्थ होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्टर नहीं होता। तो वो बैठे, तो एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, उसके बाद वहां आए तो देखे उन्होंने दो शेर वहां पर आए, तो शेर आए तो वो आपस में काफी लड़े, लड़ते रहे,
तो शेर का या किसी भी पशु का ये होता है, वो अपने एरिया का मार्क करता है, वह यूरिन के द्वारा अपने एरिया की मार्किंग करता है कि हमारे एरिया में दूसरा कोई भी जानवर ना आए, ये हमारा एरिया है, दूसरे एरिया का जानवर आकर हमारा किसी उसका शिकार नहीं कर सकता, उस एरिया में शिकार के उन्हें ही करना होता है। इस प्रकार से वो दो शेर आपस में लड़े, खूब जख्मी हो गए और अच्छी तरह से वो पूरा घायल हो गए, तो वो शेर तो उन्हें भगा दिया। जो शेर उस एरिया का था, वो डॉक्टर जो है वो रिसर्च के लिए गए थे, तो वो शेर जो है वो अंदर एक गुफा में चला गया। अब डॉक्टर देख रहे थे कि भाई शेर इतना जख्मी हो गया, इसके शरीर पर इतना खून है, इतना सब घाव बन गए हैं तेज, तो ये कैसे ठीक होता है। तो वो शेर अंदर गया, तो डॉक्टर देखते रहे, एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे। अब उनका थोड़ा ना वहां रहने में उन्हें परेशानी भी लगी, लेकिन क्या करें, उन्हें तो अपना अनुसंधान करना था। तो उस अनुसंधान करने के बहाने से जैसे वो गए, तो करते करते उनको 55 दिन के बाद शेर बाहर आया। तो उन्होंने जैसे डॉक्टर बेड के ऊपर थे, उन्होंने अपना दूरबीन कैमरा लेकर वहां पर देखा, तो देखे तो एकदम से शेर बिल्कुल साफ क्लीन, कोई जख्म नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो उसने सोचा भी ये कैसे हुआ, यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई किसी नहीं है, कैसे ठीक हुआ। तो शेर तो बाहर निकला और थोड़ा सा वो निकल कर और अपना चला गया। तो अब डॉक्टर को तो देखना था कि इसकी गुफा के अंदर क्या है, कोई खाना इसने क्या खाया, इसने क्या इलाज किया, कैसे ये ठीक हुआ। तो वो गुफा के अंदर जो गए डॉक्टर, तो उन्होंने देखा वहां एक पानी का झरना बह रहा था और बहुत सारी मिट्टी थी। तो नेचुरल है कि उसने पानी पिया, उपवास रखा और उस मिट्टी में अपने शरीर को रगड़ा। मिट्टी के अंदर इस तरह के कुछ तत्व होते हैं जिससे कि वो घाव को भरते हैं, और सब प्रकार से इस वजह से उन्होंने देखा कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, प्रकृति के द्वारा हम अपनी चिकित्सा स्वयं करती है, किसी डॉक्टर और वैद्य की नहीं होती। इसके बाद अगला सिद्धांत है, चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। जो हम प्राकृतिक चिकित्सा में प्राकृतिक चिकित्सा में जो चिकित्सा करते हैं वो रोग की नहीं करते हैं, रोगी के पूरे शरीर की होते हैं, क्योंकि उनको तो टॉक्सिन निकालने होते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी विजातीय द्रव हैं उनको बाहर निकालना, चाहे वो भाप के रूप से निकाले, चाहे वह उपवास से निकालने, चाहे वह भोजन और रसाहार का पालन करके, पृथ्वी के 5 तत्वों का उपयोग करके वो उनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद छठा सिद्धांत है, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, एलोपैथिक में क्या होता है कि अगर हमें कोई बीमारी होगी तो ये ब्लड टेस्ट कराओ, ये रिपोर्ट कराओ, ये स्कैन कराओ, ये अल्ट्रासाउंड कराओ, तब हमें पता चलेगा। लेकिन ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें वो कोई निदान करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें पता कि शरीर के किस भाग में, किस अंग में पीड़ा है, कहाँ दर्द है, कहाँ एसिडिटी है, क्या है, वो उससे समझकर उसके ना पूरे शरीर को। अब एक रोग के लिए अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज करेंगे तो वो पूरी बॉडी का ही इलाज उसमें होता है, इसलिए उसमें निदान करने की, मतलब उसको रोग को पहचान करने की, उसकी टेस्टिंग कराने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसमें सातवां सिद्धांत है, जीर्ण रोग के आरोग्य लाभ में समय लग सकता है, क्योंकि जो पुराने रोग है क्रोनिक हो जाते हैं तो उनमें बहुत समय लगता है। साध्य रोग जो है, जो पुराने रोग है, वो इतनी आसानी, क्योंकि वैसे भी प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी एलोपैथिक में आज आपने दवाई ली, इंजेक्शन लिया, आप कल ठीक हो जाते, प्राकृतिक चिकित्सा वैसे भी टाइम लेती है, इतनी जल्दी ठीक नहीं होते, उसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है और आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, तभी आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हो। तो आठवां सिद्धांत है, प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा में जो भी रोग है आप जब ट्रीटमेंट करोगे तो वो एक बार उभार लेते हैं, जैसे कोई फोड़ा था, किसी को कोई फोड़ा हो गया, फोड़े का इलाज किया, 2-4 दिन में वो ठीक हो गया, उसके बाद अचानक से क्या हुआ, वो फोड़ा उभरा, लाल रंग का हुआ और उसमें पस पड़ गया, एक दिन क्या हुआ, वो पस निकल गया बाहर, जैसे ही वो पस बाहर निकला फोड़ा अच्छा हो गया तीसरे दिन। तो उसमें समय तो लगता है एकदम से, और वो उभार लेते हैं एकदम से, पर मतलब ठीक होने से पहले एक बार पूरा पीक पे तेजी से उभर कर आते हैं। इसके बाद नौवां सिद्धांत है, मन शरीर और आत्मा की चिकित्सा साथ साथ होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो है वो मन की, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है, खाली शरीर क्या है, शरीर में अगर प्राण नहीं है, मन आत्मा नहीं है, तो वह शरीर
सब के समान है। जीवित शरीर के अंदर मन है, आत्मा है, तो उस मन और आत्मा की ही चिकित्सा होती है, जीवित शरीर की ही चिकित्सा होती है, और उसके साथ वो तीनों की चिकित्सा एक साथ करते हैं, मन, आत्मा और शरीर की, ना कि एक रोग की। प्राकृतिक उपचार में उत्तेजक औषधियों के दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है। दसवां सिद्धांत है, जो प्राकृतिक हम उपचार करते हैं उसमें किसी तरह की दवाइयां वगैरह तो प्राकृतिक चिकित्सा में देते ही नहीं है, क्योंकि उसमें हम ये अपने जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, तो इन पांच महाभूतों से इनका प्रयोग करके ही हम अपनी चिकित्सा करते हैं। तो अब इसके बाद ये है कि पांच तत्व कौन कौन से हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व और पृथ्वी तत्व, और इन्हीं पांचों तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और इन्हीं पांचों तत्व से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं कि ये हमारे किसी तत्व का सब संभाग में रहे, कोई कम और ज्यादा होने से हम बीमार हो जाते हैं। अगर ये एक सम अवस्था में रहे तो हम बीमार नहीं होंगे, अगर ये ऊपर कोई किसी तत्व की कमी और किसी की अधिकता हो गई तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे जल, पांचों पांच जो महाभूत हैं, पांच जो तत्व हैं, उनसे हम चिकित्सा किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जल तत्व को, जल तत्व से हम अपने बॉडी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। हम एक एक तत्व को लेंगे और एक एक पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम जल तत्व को ले रहे हैं। जल तत्व में समझो सबसे पहले उषापान, अमृत पान, प्रातःकाल का पानी जो है, प्रातःकाल जो हम पानी पीते हैं वो अमृत के समान है। हम थोड़ा कुनकुना पानी पिए अपने शरीर को की शुद्धि करने के लिए, उषापान अमृत पान कहा गया है। उसके बाद जो है हम कटी स्नान कर सकते हैं, कटी स्नान जो हमारे पेट के पेट के पास का भाग किसी एक बड़े टप के अंदर हम पानी रखकर उसमें बैठते हैं। ये कटी स्नान गर्म भी होता है, कुनकुने पानी से भी होता है और ठंडे पानी से भी होता है। वो रोगी को देखना पड़ता है कि उसको गर्म पानी की आवश्यकता है या ठंडे पानी की आवश्यकता है। तो एक बड़े से टप में ये सब जो नेचुरोपैथी के सेंटर होते हैं वहां पर बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। आप घर में ये सब करना थोड़ा असंभव है, या किसी के पास बहुत बड़ा टप हो तो आप उस टप के अंदर बैठ जाइए, आधा पानी से भरिए और सामने चौकी पर पैर रखकर उसमें लेट जाइए। 10 से 15 20 मिनट तक आप उस कटी स्नान को कर सकते हैं। उससे हमारे कब्ज, पेट के समस्त रोग, किडनी, लीवर, इस तरह के, और उस कटी भाग पर एक कपड़े के साथ इस प्रकार से रगड़ते हुए कपड़ा घुमाते रहेंगे तो हमारा वो पेट के जितने भी रोग हैं वह सब अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद आता है पीठ का या रीढ़ का स्नान। रीढ़ की हड्डी में, कमर में दर्द है, जो पीठ में दर्द है, तो उसके लिए भी हम एक रीढ़ के ऊपर एक धार के साथ, जैसे प्रेशर से पानी डालते हैं, जैसे पाइप से पानी डालते हैं, या जैसे घर में अगर हमें करना है तो शावर जो हमारे बाथरूम में होता है, शावर का जो ऊपर की कैप है आप उसको हटा दो, तो वो धारा अपने रीढ़ के ऊपर अगर हम डालेंगे तो उसके साथ रीढ़ का स्नान करते हैं, कमर के रोग ठीक होते हैं, कमर की जितनी भी समस्याएं हैं वह ठीक हो जाती हैं उनसे। और कुछ इस तरह की मशीनें भी आते हैं जिनसे वहां पर जो सेंटर होते हैं उन पर, तो इस तरह के एक लंबी रोड होती है, उसके ऊपर एक छेद होते हैं और रोगी को जैसे है ना उसको एक बेंच पे उस पर उल्टा लिटा देते हैं और उसके पीठ पे धार के साथ साथ ऐसे पानी पड़ता रहता है, जिससे वो उसकी पीठ के जितने भी समस्त रोग हैं वे ठीक हो जाते हैं। तीसरा आता है जल चिकित्सा में भीगी पट्टी और लपेट। तो हम जो हमारे शरीर की जो भीगी पट्टियां हैं, जो हमारे ये जो पट्टी हम लपेटते हैं, जैसे इस तरह की पट्टियां हैं, कमर की पट्टियां, घुटने की पट्टियां, इनको हम इस प्रकार से गिल्ली करके अपने घुटने पर, जैसे घुटने की है ऐसी पीठ की भी चौड़ी पट्टी आती है, लपेट लेते हैं और उसके बाद फिर ये एक उन्नी पट्टी आती है इस तरह की, उसके ऊपर घुटने पर उन्नी पट्टी लपेटते हैं। ये 30 से 45 मिनट तक लपेट कर रखेंगे। इससे होता क्या है, जैसे हमने नॉर्मल जल से, ना गर्म से ना ठंडे से, नॉर्मल जल से जो हमने पट्टी अपने घुटने के ऊपर लपेट दी, यदि घुटने में हमारे दर्द है तो उसके ऊपर गर्म
पट्टी लपेटी, आप देखोगे कि वो जो पट्टी है वो थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी, जो हमारे शरीर की भाप बनकर निकलेगी और वहां पसीना आ जाएगा और जो अंदर की जो गंदगी है, जो अंदर के टॉक्सिन है वो बाहर निकल जाएंगे और वहां की वो पार्ट जो है हमारा वो क्लीन हो जाएगा और हमारे दर्द या सूजन जो है वह ठीक हो जाएगी उस प्रकार से। इसके इसके साथ ही सिर की ठंडी पट्टी, सिर पर ठंडी पट्टी रखते हैं यदि हमारे सर में दर्द है, माइग्रेन है, किसी तरह की सिर निंद्रा नहीं आ रही है, तो सिर को ठंडा करने के लिए हम सर पर पट्टी रख सकते हैं, सिर का स्नान कर सकते हैं, नेत्र स्नान, एक नेत्र का कप आता है उसमें आँख इस प्रकार से हम रखते हैं और खोलते बंद करते हैं तो हम नेत्र स्नान कर सकते हैं। और गिल्ली चादर लपेट, तो गिल्ली एक बड़ी चादर लेते हैं तो एक बेंच के ऊपर जो रोगी होता है उसको लिटाते हैं और भीगी हुई वाइट चादर से उसको पूरे को लपेटते हैं और उसको लपेटते ऐसे हैं कि हाथ और बगल अलग रहे, बाजू अलग रहे और अंदर से ऐसे लपेटते हैं। ऐसे लपेटने के बाद उसके ऊपर कंबल ढक देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी सारी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी और बॉडी से जो है वो पसीना निकलेगा और पसीना निकलने से बॉडी की जो गंदगी है वो सब निकल जाती है। इसके बाद गर्म पाद स्नान, तो किसी एक ठंडा पानी से भी कर सकते हैं, गर्मियों में ठंडे से और सर्दियों में गर्म से, एक बड़ी बाल्टी में जिसमें घुटनों तक पैर आ जाएं तो उसमें पैर आप रखकर और एक तौलिये से पोंछकर अच्छे से उसको कर सकते हैं। तो जैसे कि जब हम गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं, एक जैसे ऐसा कपड़ा लिया हमने उसको एक गर्म पानी में भिगोया और निचोड़ लिया, तो उसको जहां पर सूजन है, दर्द है, स्वेलिंग है, किसी तरह का प्रॉब्लम है शरीर में, तो वहां पहले 3 मिनट गर्म, 3 मिनट ठंडा और 2 मिनट गर्म, और उसको बार बार 5 से 6 बार ऐसे रोटेट करेंगे और इस तरह से उसको गर्म और ठंडा सेक हम करके भी अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं, तैराकी करके भी। तो जल चिकित्सा के अंदर हम इतनी प्रकार से अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। एक जैसे कहते हैं पानी, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमें एक अच्छे आहार की जरूरत होती है, एक अच्छे उसकी जरूरत होती है। जैसे एक गांव में एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया उठ नहीं सकती थी चारपाई से, उसकी बहू उसको बोल के चली गई कि भाई माँ जी ये नल आएगा शाम के समय और इसके नीचे ये मटका रख देना, और मटका जो था वो आधा कचरे से भरा हुआ था। अब वो बुढ़िया बेचारी उठ नहीं पा रही थी तो उसने एक बच्चे को बोला कि भाई बच्चे ये नल के नीचे नल खोल दे और इस मटके को रख दे, तो उसने नल खोल दिया और मटका वहां पर रख दिया, वो पानी बहता रहा बहता रहा बहता रहा और थोड़ी देर तक देखते हो कि आधा जो मटका कचरे से भरा हुआ था पानी उसके अंदर गिरता रहा और वो मटका में साफ गया, कचरा बाहर निकल गया। कहने का भाव ये है कि अगर हम अपने शरीर के अंदर राइट आहार डालेंगे जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो हमारा शरीर की शुद्धि होगी। अगर हम राइट आहार या सही ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर की क्लींजिंग नहीं होगी। और दूसरा एक ये है हमारा पानी पीने का तरीका, जल चिकित्सा के अंदर हमारा पानी पीने का जो तरीका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अपने शरीर वो उसका बहुत ज्यादा मोटापा था, उसने अपना वजन कम करना था, तो वजन कम करने के लिए उसने सोचा कि क्या क्या जे, उसने इतने सारे डाइटिंग ये वो सब चीजें नहीं छोड़ी, सिर्फ एक चीज पकड़ के चले कि पानी कैसे पीना। उसने सुबह से रात तक एक ही चीज को वाच किया कि हमें पानी कैसे पीना है, खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद, और खाने के साथ पानी नहीं पीना। इस एक नियम को भी यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारे 30-40% बीमारियां तो हम इसी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा। जहां हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा तो जो हमने खाना पिया खाया जो आहार किया वो पचेगा, वो पचेगा तो हमें उससे लाभ मिलेगा। हमारे शरीर के अंदर एक जठराग्नि होती है, यदि हम खाना खाया गर्म भोजन खाया तो वह खाना खाने के बाद वो अपना काम करना शुरू कर देती है, भोजन को पचाने का कार्य करती है। यदि हम
उसके बाद ठंडा पानी पियेंगे या पानी पी लेंगे तो वह जठराग्नि मंद हो जाएगी, और जब जठराग्नि मंद हो जाएगी तो हमारा खाना पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो क्या होगा, अपच होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उससे पैदा हो जाएंगी। तो इसीलिए जब हम खाना खाते हैं, पानी को अगर हम, हमें कब पीना कब नहीं पीना, पानी को सही तरीके से पीना, बैठ कर पीना, घुट घुट करके करके पीना, अगर हम इस चीज पर ध्यान देंगे तो हम इससे ही अपने को काफी हद तक स्वस्थ रख सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा, प्राकृतिक चिकित्सा में शुरू से करते हैं कि हमने प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए उपयोगी है, सरल है, सस्ती है, और पुराने जमाने के लोग भी जो गांव में होते थे वो भी प्राकृतिक चिकित्सा को मानते थे, जानते थे। एक जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है वो भी इस प्राकृतिक चिकित्सा से अपना इलाज करता है। जैसे कि खेत में कोई, एक हमारे गांव में ही थे कि वो खेत में गए, उनको सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो वहां उस टाइम डॉक्टर के पास जाए, कहां जाए, क्या करें, तो उसने वो इतना बड़ा जख्म हो गया, जख्म पे क्या गया, उसने वही सन मिट्टी निकाल दी और उस जख्म के ऊपर डाल दी। तो जैसे ही उसने वहां पर मिट्टी डाली तो वो जख्म, मिट्टी के अंदर क्या गुण होता है, वो विष को सोख लेती है और घाव को बढ़ने में मदद करती है। तो इस तरह के कार्य से वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और उसका विष जो है वो मिट्टी ने कर लिया। तो इसलिए पुराने जमाने के लोग भी सब, ये पशु पक्षी जितने सब अपने आप ही बिना डॉक्टर के प्रकृति के संरक्षण में रहकर प्रकृति के साथ ही अपनी चिकित्सा स्वयं कर लेते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं सेकंड, वायु तत्व चिकित्सा। वायु तत्व चिकित्सा के अंतर्गत जैसे हम कैसे अपना इलाज करेंगे, जैसे हम पहले मॉर्निंग वॉक करते हैं, घूमते हैं, जैसे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, घूमते हैं, प्रातःकाल सौर साधना करते हैं, इसमें घूमने के द्वारा हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। और एक दूसरा इसके अंदर मुख्य रूप से वायु के अंदर सौर साधना है। यदि किसी को सौर साधना आ जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा है। सौर साधना क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारे जो राइट सौर है, जहाँ हमारे दो नासिका है, एक राइट एक लेफ्ट, हम जब राइट, हमारे शरीर के अंदर 72,72,710 नस नाड़ियां हैं, और जिनमें मुख्य तीन नाड़ी हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो जो सूर्य नाड़ी है वो राइट नोस्टल से जब हम श्वास लेते हैं, हमारा जो राइट सौर चलता है वह सूर्य नाड़ी है। जब हम लेफ्ट से श्वास लेते हैं, जब हमारा लेफ्ट सर चलता है तो वह चंद्र नाड़ी है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो इन दोनों के मध्य में विद्यमान है। तो ये जो सूर्य नाड़ी है, ये जो हमारे गर्मी के रोग हैं, जैसे तेज का प्रतीक है सूर्य, तो वह गर्मी के रोग उत्पन्न कर, जैसे किसी को हाई बीपी है तो वह अपना सौर चेंज करके चंद्र सौर से अगर श्वास लेगा तो उसका वह रोग मिट सकता है। तो इस सौर को कैसे साधेंगे, जब भी हम कभी भी बॉडी में असहज महसूस करें, कंफर्टेबल अपनी बॉडी को महसूस ना करें, हमारे शरीर के अंदर बेचैनी हो या कुछ भी हमें ऐसे महसूस होता हो कि भाई कुछ अनिजी है, मतलब कंफर्टेबल अवस्था में हम नहीं है, तो उस समय हमें ये वॉच करना चाहिए कि हमारा जो है वह सौर, सूर्य सौर चल रहा है या लेफ्ट, ये राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है, यानी सूर्य सौर चल रहा है या चंद्र सौर चल रहा है। यदि हमारा उसको हम चेंज करें तो हम तुरंत नॉर्मल हो जाएंगे और कंफर्टेबल महसूस करेंगे। मान लो कि हमारा ये राइट सौर चल रहा है, सूर्य सौर चल रहा है, तो हमें चंद्र सौर चलाना और हमें ऐसे थकान महसूस हो रही, अनिजी फील हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और इसी नासिका से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, 5-4 सांस इससे लेंगे, तो हमारा थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली राइट सौर चलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही जैसे ये किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी, जैसे आपका, आप कहीं किसी भी जगह अपनी एकाग्रता नहीं रख पा रहे, आपका माइंड चंचल है,
शांत नहीं रखते, तो चंद्रमा शांति का प्रतीक है, तो आप वायु नासिका से श्वास लेंगे तो आपका वो वायासुर चलना शुरू हो जाएगा और उसके उसके साथ ही आप में स्थिरता आ जाएगी और आपका किसी काम में जैसे ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो वहां मन लगना शुरू हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से पहले तो हम अगर जो कहीं भी असहज महसूस किए हैं तो जो भी हमारा सुर चल रहा है उससे दूसरा बदल दे तो हम कंफर्टेबल अवस्था में आ जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर इसको बदलने का एक तरीका और है, जैसे हम बेड पर लेटते हैं, ये हमारा मान लो राइट राइट श्वास हम ले रहे हैं तो हम लेफ्ट करवट ले लें और एक बगल में तकिया लगा लें तो हमारा राइट चलना शुरू हो जाएगा, और राइट अगर हम करवट ले लें और बगल में तकिया लगा लें तो हमारा लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा तरीका और है इसको स्वर साधना को चेंज करने का, जैसे घर में किसी का छोटा बच्चा है, हम छोटे बच्चे को अगर लेफ्ट गोदी में लेंगे तो हमारा राइट श्वास चलना शुरू हो जाएगा, और हम राइट गोदी में लेंगे तो लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपको ये श्वास चेंज करना इस प्रकार से आप चेंज करके उसका लाभ उठा सकते हैं कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम है। यदि आपको गर्मी का रोग है, हाई बीपी है, तो आप लेफ्ट से सांस लेंगे, और यदि आपको लो बीपी है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप राइट से लेंगे। तो इस प्रकार से स्वर को साथ कर भी आप वायु चिकित्सा का, प्राण वायु का उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी मनुष्य जो है वो बिना खाना खाए जीवित रह सकता है, लेकिन प्राण वायु नितांत आवश्यक है। अगर आप श्वास नहीं लेंगे तो आप एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए ये वायु चिकित्सा का तो हमारे उसमें बहुत महत्व है प्राकृतिक चिकित्सा में। और इसके साथ ही हम प्राणायाम वगैरह करके अपने वायु चिकित्सा कर सकते हैं। प्राणायाम के अंदर जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और ये अपने भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान, अग्निसार क्रिया, ये इस प्रकार के सब प्राणायाम के द्वारा हम वायु चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। उसके द्वारा हम वायु चिकित्सा कर सकते हैं, मालिश के साथ कर सकते हैं। मालिश का प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत महत्व है। आप मालिश के द्वारा भी, मालिश का भी एक विधान है जो कि मालिश की जाती है वह शरीर से हृदय की ओर होनी चाहिए, ना कि हृदय से शरीर की ओर। तो इस प्रकार से कम जैसे पीठ की मालिश है, जैसे पैर की मालिश है, जैसे हर हर पार्ट में कैसे हाथ घुमाना, वो भी एक विधान है, उसका भी एक तरीका होता है। तो उसी तरीके के साथ आप अपनी मालिश के द्वारा भी आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अभी दो वायु तत्व और जल तत्व के बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद आता है आकाश तत्व और अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं तो कंटिन्यू करेंगे आकाश तत्व और अग्नि और पृथ्वी, क्योंकि पांच तत्व जो हम जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन्हीं से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है, उन्हीं के द्वारा हम प्राकृतिक चिकित्सा में अपनी चिकित्सा करते हैं। इसलिए हम दो तत्व के बारे में चर्चा कर चुके और तीन बचे हैं, तो उनको हम बाद में करेंगे। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ। हेलो पूनम जी। हाँ जी। हाँ मैं बबीता बोल रही हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कुछ। हाँ जी। मालिश के लिए आप बता रही थी, तो मालिश कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करेंगे बॉडी में? बॉडी में जैसे हम पैर से शुरू करेंगे और अपर बॉडी की तरफ जाएंगे, हार्ट की तरफ, और जैसे हम पीठ की मालिश करेंगे तो गर्दन से जाएंगे, तो जो हार्ट ऊपर के भाग की हम नीचे को मालिश करेंगे और पीठ की नीचे से ऊपर को करेंगे। मतलब हार्ट की डायरेक्शन में मालिश होनी चाहिए, ना कि हार्ट से उल्टी जानी चाहिए। तो अभी जो आप गर्दन से नीचे आएंगे तो वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ, वैसे कर सकते हैं? नहीं, गर्दन से जो नीचे आएंगे तो उसको पीठ पर जो है वो हार्ट की तरफ, पीठ की दो तरह से मालिश होगी, एक नीचे वाले भाग की ऊपर की तरफ होगी और ऊपर वाले भाग की नीचे की तरफ होगी। हाँ जी। और पीठ की अगर हम मालिश करते हैं तो वो पीठ के लोअर भाग की ऊपर की तरफ मालिश करेंगे और अपर भाग की नीचे की तरफ मालिश करेंगे, मतलब सेंटर तक ही करेंगे।
अच्छा अच्छा ठीक। हाँ पूरे पूरी पीठ को ऊपर से नीचे तक नहीं लेंगे, नीचे से ऊपर तक नहीं लेंगे, मतलब कंधों की तो थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे और जो पीठ है नीचे वाली उसको ऊपर की तरफ करेंगे, और पेट की जो वो है मालिश वो गोलाई में करेंगे। ओके, और कमर की मैडम? कमर की तो बताई ना अभी, कमर की तो बताई है, नीचे की नहीं, लोअर आप बैक की, पीठ की बताई थी। पीठ और कमर एक ही तो बात है। नहीं, अलग है दोनों पार्ट। ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है, कमर से ऊपर जाना है। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी को पूछना है कुछ? आगे कंटिन्यू करें रति जी? हाँ जी, आप आगे कंटिन्यू कीजिए, फिर लास्ट में हम 10-15 मिनट पूछ लेंगे अगर किसी ने कुछ पूछना हाँ हो। जी जी जी। अब हमने दो तत्व की चर्चा कर ली, जैसे वायु तत्व और जल तत्व। अब हम आते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के अंदर हम कैसे अपनी चिकित्सा कर सकते हैं? चक्षो सूर्य रेजायत, यानी मनुष्य सूर्य का प्रकाश, मनुष्य को सूर्य का सूर्य को नेत्र माना गया है, क्योंकि जिस मकान में जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उस घर में डॉक्टर का प्रवेश हो जाता है। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वैसे भी सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी की हमारे हड्डियों के लिए और कैल्शियम जो हम बॉडी में लेते हैं उसको पचाने के लिए, विटामिन डी को पचाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीजों के लिए सूर्य का होना और सूर्य के सूर्य स्नान हम करेंगे। पहले जैसे सूर्य के द्वारा हम इस सूर्य स्नान में, एक तो साधारण स्नान है जिसमें हम सूर्य की धूप लेकर बहुत कम वस्त्र पहनकर पूरी बॉडी के ऊपर सूर्य का प्रकाश डालकर सूर्य स्नान करके, साधारण सूर्य स्नान करके सूर्य का सूर्य चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है दो स्नान। सूर्य स्नान में बड़े फेमस है रिकली का सूर्य स्नान और पुणे का सूर्य स्नान। रिकली जो है वो पाश्चात्य थे, डॉक्टर विद्वान थे प्राकृतिक चिकित्सा के, उन्होंने एक सूर्य स्नान की एक उनकी अपनी अलग पद्धति थी। उसमें उनका ये था कि वो पहले पैर पर धूप डालते पहले दिन, दूसरे दिन घुटने तक, तीसरे दिन जंघा तक, चौथे दिन ऐसा करते करते पूरे शरीर को धूप में लाने के लिए उन्हें 10 दिन तक वो जाते थे, और पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15-20 मिनट तक रिकली का सूर्य स्नान इस प्रकार से है। उसके बाद कुने का सूर्य स्नान आता है। कुने का सूर्य स्नान क्या है कि हम धूप में किसी जगह जहाँ पर हवा न लगे ऐसे स्थान पर लेट जाते हैं, हमारे वस्त्रहीन होकर, वस्त्र नहीं होते, तो केले के पत्ते को, हरे केले के पत्ते को पूरे शरीर पर ओढ़ते हैं, और पूरे शरीर के ऊपर केले हरे पत्ते से जो सूर्य किरणें पड़ती हैं उनके द्वारा हम सूर्य स्नान करते हैं। वह कुने का सूर्य स्नान बड़ा फेमस हुआ, और रिकली का भी प्राकृतिक चिकित्सा में ये दोनों स्नान बड़े फेमस हैं। उसके बाद हम गर्म जल पीकर चिकित्सा कर सकते हैं। नीम के पानी से एक्जिमा है, स्किन प्रॉब्लम है, नीम को पानी में डालकर पकाकर गर्म पानी के साथ थोड़े कुनकुने पानी से नहा सकते हैं, और भाई इसमें गीली पट्टी रख सकते हैं, जैसे उसमें जल चिकित्सा में ठंडी रखी तो इसमें अग्नि चिकित्सा में मतलब हम गर्म पट्टियाँ, गर्म सेक, गर्म पाद स्नान, गर्म कटी स्नान, तो कुनकुने पानी से पीठ का स्नान इस प्रकार से करते हैं, और गर्म चादर लपेट कर जल चिकित्सा में हमने उसमें ठंडे पानी से की, यहाँ अग्नि चिकित्सा में हम गर्म पानी से कर सकते हैं। एक गर्म रेत जो होता है उसको गर्म करके और किसी कपड़े में बांधकर जहाँ हमारे स्वेलिंग है, दर्द है, हम उस जगह पर उसकी पोटली बनाकर उससे भी अपनी बॉडी की सिकाई करते हैं, वो भी अग्नि चिकित्सा के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही नमक को गर्म करके हम उसके साथ भी अपनी बॉडी पर जहाँ है वो वहां सिकाई कर सकते हैं। एक ईंट को आप काफी तेज लाल करके गर्म करके उसको 4-5 तह कपड़े में भिगोकर उससे भी हम अपनी बॉडी को सेक सकते हैं। ये नेचुरल तरीके हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर इस तरह से कर सकते हैं। आजकल तो
जैसे पीठ को अगर सीखना तो इलेक्ट्रॉनिक्स वो बेल्ट जो है वो आती हैं, तो उनकी बजाय अगर हम प्राकृतिक चीजों से अपनी चीज इसको सीखें तो उसका ज्यादा लाभ होता है। उसके साथ ही इसके अंतर्गत हम कुंजन क्रिया करते हैं बॉडी को क्लीन करने के लिए, गर्म पानी पीकर उसको उल्टी करते हैं, धोती स्नान करते हैं, एक कपड़ा अंदर डालकर, ये कई विधियां हैं। एक तो होया पूरी बॉडी को हमने भाप स्नान करते हैं, भाप स्नान की जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा के जहाँ सेंटर होते हैं वहाँ एक मशीन आती है फाइबर की बनी हुई, उसके अंदर उसको बिठा देते हैं और उसको लाइट से लगाकर उसके अंदर भाप बनाते हैं, सिर्फ हमारा सिर बाहर रहता है और सिर पर एक भीगा तौलिया पानी का रखते हैं जिससे कि सिर के अंदर गर्मी ना जाए। तो और उसके बाद भाप स्नान लेकर पूरी बॉडी में, जैसे पूरी बॉडी के अंदर जब भाप बन जाती है तो फिर हम उसके थोड़ी देर बाद उसको रगड़ कर पहुंचते हैं और फिर ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं, तो ये गर्म भाप स्नान। तो इस तरह से हम इसके अंदर करते हैं। अग्नि चिकित्सा के अंदर हम सूर्य किरण चिकित्सा के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य की किरणें 7 रंग की होती हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, नारंगी, बैंगनी, आसमानी और पीला। इन 7 रंग की से हम किस प्रकार से सूर्य किरण चिकित्सा बड़ी फेमस है प्राकृतिक चिकित्सा में और बड़ी लाभदायक है, इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं? एक तो कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हम उसको पानी को शोधित करके, जैसे हम एक कांच की बोतल लेते हैं प्लेन, या रंगीन बोतलें आती हैं, अगर आपको रंगीन बोतल नहीं मिले तो आप प्लेन बोतल ले सकते हैं, तो उसके ऊपर भी जिस भी कलर का हमें पानी बनाना हो उस बोतल के ऊपर इस तरह का कोई पॉलिथीन पन्नी उसी कलर की लगाकर, तो इसको पानी में उस पर रखकर सूर्य के प्रकाश में रखकर पानी बनाते हैं। कहते हैं इसको तैयार कैसे करते हैं? इसको तैयार करने का तरीका है, एक लकड़ी का पटरा रखते हैं बाहर और जो बोतल है उसे 3/4 भरते हैं, 1/4 भाग उसका ऊपर से खाली रहता है, उसको सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जहां धूप आती हो अच्छी तरह से उस लकड़ी के पटरे के ऊपर रखकर उस पर सूर्य की किरणें पड़ने देते हैं, और जब उस 5 बजे के बाद हम उसको अंदर उठा लेते हैं और उसको अंदर कहीं भी लकड़ी के पटरे पर ही रखना होता है, किसी स्लैब पर, किसी जमीन पर, फर्श पर नहीं रखते। अगर हमने जमीन और फर्श पर वो पानी रख दिया तो उसकी जो ऊर्जा है वो जमीन में चली जाती है, आपके लिए वो पानी अधिक लाभदायक नहीं होगा, तो इसलिए उसे लकड़ी के पटरे पर रखते हैं और उस पानी को 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो उसी बोतल में है। अगर उस बोतल से आप दूसरी बोतल में चेंज करते हैं तो वो 24 घंटे काम करेगा, और ये औषधि का काम करता है, ये एक दवाई है नेचुरोपैथी में। आप ग्रीन कलर से बना सकते हैं, जो 7 रंग है, 7 रंग के अलग अलग बीमारी में ही अलग अलग तरह से दी जाती है, ये एक बहुत बड़ा लंबा विषय है अगर इस पर चर्चा करें। जैसे कि हम मधुमेह में नारंगी और आसमानी पानी लेते हैं, और ये जो इसकी मात्रा जो है ये हमें दिन में 3 से 4 बार तक हम ले सकते हैं, एक दिन से लेकर 1 माह के बच्चे को 1 छोटा चम्मच, 1 माह से 3 माह तक के बच्चे को 2 चम्मच, और 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे को 3 चम्मच, और 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बच्चे को 4 चम्मच, और 5 से 10 तक 5 चम्मच, और 10 से 15 वर्ष का जो होता है बच्चा तो उस 15 साल तक के बच्चे को 25 ml, और 15 से लेकर उसके ऊपर 50 ml एक खुराक है, और दिन में 3 से 4 बार तक ले सकते हैं। वो रोग की कितनी अधिकता है या रोग कितना कम है उस पर डिपेंड करता है। और ये जो ये कई कलर के हैं इनमें मेन मैं बता देती हूँ कि जैसे लाल रंग है वो पानी पीने के उपयोग में नहीं आता क्योंकि उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, उस पानी को हम मालिश के रूप में उपयोग करते हैं। और ये जो हरा रंग है वो हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है उसके लिए काम आता है। पीला रंग जो है वो कब्ज के, नारंगी रंग जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए, कब्ज के लिए,
नीला रंग जो है वो शांति के लिए, नींद जिसे ना आए, टेंशन डिप्रेशन है, इस तरह के अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरह का पानी बनाकर, हम सात रंग का पानी बनाकर सात तरह से उसकी खुराक बनाकर ले सकते हैं। उसके साथ ही हम मिश्री को पानी में धूप में रखकर उसको तैयार कर सकते हैं और इसके लिए तेल भी तैयार करते हैं। तेल जो है जैसे जोड़ों के दर्द के लिए हम तैयार करेंगे, तिल का तेल, सरसों का तेल लेंगे। ये गर्मियों में तो 40 दिन में तेल तैयार हो जाता है और सर्दियों में जो है वो 60 दिन में तैयार होता है क्योंकि धूप कम होती है। तो उसको भी ऐसे ही लकड़ी के पटरे पर रखेंगे, एक बोतल के अंदर रखेंगे और ऊपर का इतना भाग खाली रखेंगे और इतने दिन तक पानी में रखेंगे और अंदर रखेंगे तब भी लकड़ी के पटरे पर रखेंगे, किसी फर्श और जमीन पर नहीं रखेंगे, नहीं तो उसके गुण कम हो जाएंगे। तो तेल के द्वारा हम ऐसे ये सूर्य चिकित्सा कर सकते हैं। सप्त किरण चिकित्सा, सातों किरणों की चिकित्सा हम सूर्य की जल पानी को शोधित करके, जल को तेल को शोधित करके मालिश के लिए, और भाई घी को भी कर सकते हैं जो नाक में डालना हो। नीला रंग ठंडा होता है, उसको दिमाग में शांति देता है। नाक में बूंद डालनी हो, आंख में डालना हो, तो इस तरह से आप तेल को उसको, और इस एक और है हम वायु सूंघ सकते हैं। मान लो अगर ये खाली बोतल है, खाली बोतल को आप धूप में रख दो और उसकी वो जो है वो टाइट बंद करके रखो। अगर हमें किसी तरह का रोग है तो उसी रंग की बोतल के हिसाब से हम उसकी जो है हवा, जो है हवा को भी शोधित करके सूंघ सकते हैं। वो उसकी डाट खोली और यहाँ सांस ली और बंद कर दी और फिर ली और फिर बंद कर दी। और जो ये वायु वाली जो बोतल है ये 12 से 1 बजे तक 1 घंटे में तैयार हो जाती है। ये 1 घंटे में तैयार हो जाती है। जल जो है वो 7 से 8 घंटे में तैयार होता है और तेल जो है वो सर्दियों में 40 दिन में और गर्मियों में, सर्दियों में 60 दिन में और गर्मियों में 40 दिन में तैयार होता है। और 15 दिन बाद वो तेल का आप उपयोग कर सकते हो। आपको जिस जिस तरह से नींद नहीं आई, जैसे नीली पन्नी के साथ आपने तेल बनाया, उसको सिर की मालिश की और नींद आएगी, शांति मिलेगी, नीला रंग शांति देने वाला है। तो इस प्रकार से हम इन सब चीजों से अपने को कर सकते हैं। अब एक तत्व और बचा, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व सबसे अहम है क्योंकि हम रहते ही पृथ्वी के ऊपर हैं। उसके हम उपयोग हरी घास पे घूमकर, सुबह जमीन पर नंगे पैर चलकर हम कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। एक 3 फुट नीचे की जो मिट्टी होती है साफ स्वस्थ जगह की, जिसके अंदर केमिकल ना हो और किसी तरह का, वहां से मिट्टी निकाल कर उसको पानी में अच्छे से तैयार करके मिट्टी की पट्टी पेड्डू पर रखते हैं, पैरों के तलवों में रखते हैं। पेड्डू पर रखने से उसके जितने भी पेट के रोग हैं, कब्ज, गैस, एसिडिटी, ये अपनी आपकी ये पेनक्रियाज के रोग, वो सब मिटते हैं। पैरों के तलवों में जिसको गर्मी है, जलन है, ब्लड का संचार सुचारू रूप से नहीं होता, उसके लिए है। सर दर्द है, बुखार है, जैसे बुखार पे ताजे पानी की पट्टी रखते हैं हम, मिट्टी की पट्टी रखते हैं। मिट्टी की पट्टी आप रखोगे तो आप देखना थोड़ी देर मिट्टी से हम अपने फेस का फेशियल कर सकते हैं। वो चिकनी मिट्टी बड़ी अच्छी होती है। मैं तो हम नेचुरोपैथी के सेंटर में जब हम गए थे तो वहां पर सब, मैंने तो सब ट्रीटमेंट लिया हुआ है नेचुरोपैथी सेंटर में। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सब लोग कम से कम कोई हिल एरिया पे घूमना जाता है, कोई कहीं घूमना जाता है, कोई गोवा घूमना जाता है, कोई मसूरी घूमना जाता है। तो इससे अच्छा है कि साल में 15 दिन या 6 महीने में 15 दिन, साल में 2 बार आप जो नेचुरोपैथी के सेंटर जगह जगह हैं वहां पर जाएं और कुछ सीखें और नेचुरल लाइफ जिए और उस नेचुरल लाइफ का फायदा उठाएं। तो मिट्टी जो क्या है, मिट्टी के अंदर क्या क्या गुण है। एक तो वो दुर्गंध नाशक होती है। जब आप देखो कोई कुत्ता बिल्ली कुछ मर जाता है तो गड्ढा खोद के उसको दाब देते हैं, या जिन लोग दफनाते हैं वो भी मिट्टी के अंदर दफनाते हैं, तो वो दुर्गंध बाहर नहीं आती, तो वो दुर्गंध सोख लेती है।
वो ताप संतुलन करती है, यदि हमारी बॉडी ठंडी है तो उसे गर्म कर देती है और गर्म है तो ठंडी कर देती है। जैसे सन्यासी लोग हैं, कई बार मिट्टी का लेप अपनी बॉडी पर लगाते हैं और कपड़े नहीं पहनते हैं, तो वो ताप संतुलन उससे बना रहता है। विषनाशक है, जैसे किसी कीट पतंगे और जहरीले जानवर ने काट लिया, अगर हम वहां पर मिट्टी लगाएंगे तो वह विष को सोख लेती है। आकृतिक प्रदान करने का गुण करती है, जैसे मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के मटके का पानी का हम प्रयोग करते हैं वो कितना अच्छा लगता है, और मिट्टी के बर्तन सदा उपयोगी होते हैं। अब जैसे ये एल्युमिनियम के बर्तन, ये सब बर्तन छोड़ने मिट्टी के बर्तनों का खाना कितना पौष्टिक होता था, मिट्टी का कोई नुकसान नहीं होता था, तो उस तरीके से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और रोगों को दूर करने में सहायता देती है। तो एक मिट्टी का क्या है, वो मिट्टी का गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी का गड्ढा खोदकर बिना कपड़ों के हम उस गड्ढे के अंदर हमें पूरा डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और एक घंटे के लिए उसमें छोड़ते हैं, हमारा सारा इतना फेस बाहर रहता है। तो एक घंटे हम जब मिट्टी में रहते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन है वो मिट्टी सोख लेती है और हमारा बॉडी अच्छी तरह से साफ हो जाती है। तो पृथ्वी तत्व चिकित्सा में हम इस प्रकार से अपनी मिट्टी के साथ अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। वैसे जो ये कुछ लोग जो हैं, एक कई बार कहते हैं ना, हमें यहाँ का पानी सूट नहीं किया, उधर का पानी सूट नहीं किया, हम वहां गए हमने पानी पिया हमारा हजम नहीं हुआ, तो उस पहले जैसे गांव में कहते थे उस कुएं का पानी अच्छा है, पत्ती थी बालू जो है वो पेट को सफाई करने का काम करती है, और बालू के अंदर बहुत सारे विटामिन और इस तरह के फास्फोरस आदि सब उसके अंदर होता है। तो इसलिए मिट्टी बालू जो साफ सुथरी बालू है लोग उसका भी भक्षण करके अपनी पेट की सफाई करते हैं। तो इस तरह से मिट्टी चिकित्सा के द्वारा हम घर में हम मुल्तानी मिट्टी फेस पर लगाते हैं, अभी सभी लगाते भी हैं और सर के बाल भी मुल्तानी मिट्टी से धोते थे। तो मिट्टी चिकित्सा के अंदर मुल्तानी मिट्टी भी आती है और मिट्टी के इस तरह के इतने रोगों से भी हम करते हैं। इसके साथ ही एक आती है राम नाम चिकित्सा। हमने जल चिकित्सा के बारे में प्रकाश डाला, वायु चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा और मिट्टी, तो ये पांचों तत्व के बारे में हमने जो अभी पढ़ा है। तो इसके बाद बचा है आकाश तत्व चिकित्सा। आकाश तत्व चिकित्सा के अंदर आकाश क्या है, आकाश स्पेस है, दो हाथ के बीच का स्पेस, हमारे ऊपर का स्पेस, नीचे का स्पेस, जो स्पेस है वो आकाश तत्व के अंदर आता है। आकाश तत्व के अंदर हम कैसे चिकित्सा करेंगे, आकाश तत्व के अंदर हम चिकित्सा करेंगे उपवास के द्वारा। ये हमारा इसमें भावना भी जुड़ी हुई होती है, जैसे नवरात्रे आते हैं लोग रोजा रखते हैं, जैन धर्म में एक एक महीने का व्रत रखते हैं, तो ये धार्मिक उससे भी जुड़ा हुआ है। और बाकी हम जब उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के रोग मिटते हैं। उपवास चिकित्सा का एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि बड़ोदरा के अंदर एक चारू बहन जी थी रुद्रा सोसाइटी में, और वहां पर एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर थे पंकज भाई, और पंकज भाई आई PCL में जॉब करते थे और उस जो लेडी के हस्बैंड है वो भी वही जॉब करते थे। तो उस लेडी को कैंसर हो गया, कैंसर हो गया तो वो बीमार हुई, कीमोथेरेपी हुई, डॉक्टर को दिखाया, सब इलाज हुआ, सब ट्रीटमेंट हुआ, सब किया, थोड़ा दिन वो ठीक रहा और थोड़े दिन बाद क्या देखा, वो दोबारा से फिर उसी जगह पे गले का कैंसर हुआ, दोबारा से फिर उसको वहीं पर वो थोड़ा दोबारा से निकल गया। तो घर के अंदर परेशानी बढ़ गई, सब सोचा भाई सब रोना धोना सब कैसे क्या करेंगे, तो दोबारा से फिर हो गया। फिर वो बोले भाई इसको यहाँ से स्किन निकालनी पड़ेगी और यहाँ गले में होल करके और पाइप से खाना पीना डलेगा और ये हमें इस तरह से, और यहाँ दूसरी स्किन लगानी पड़ेगी, इस तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब उन्हें सोचा क्या करें, कैसे करें, क्या इलाज करें, तो परेशानी तो घर में हो ही गई। तो उनकी जो सास थी वो, उसको जब कैंसर हुआ उससे 2 साल पहले, वो अपने घुटने के इलाज के लिए पंकज भाई के पास गई। तो वो बोली कि भाई, सास ने ये बोला कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मेरी उम्र 70 साल की है और मैं
जब पंकज भाई के पास की और मेरे घुटने अच्छे हो गए 7-8 महीने के अंदर, घुटने उनके अच्छे हो गए, पूरी तरह से ठीक हो गए, जो उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की, तो तुम्हारा ये कैंसर क्या ठीक नहीं होगा, तुम उनसे बात करके देखो, उस आदमी के पास कुछ अच्छी नॉलेज है और उसने जब उससे बात करो। तब मैं उसके पास बात करने गए तो उन्होंने उसके प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज किया, देखा, करते करते 5-4 महीने निकल गए। 5-4 महीने निकलने के बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया, उसकी बायोप्सी कराई, तो उसमें तब तक उसके अंदर वो सब थे कैंसर के जो थे अंदर तत्व थे। तो तब उसके बाद उस भाई ने बोला कि अगर हम तुम इसे पूरी तरह से बंद करना चाहती हो, मतलब वो थोड़ा अच्छा हो गया पूरी तरह से, फिर बोला अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप करना चाहते हो तो पूरी तरह से इसे ठीक करना है तो आप 18 दिन का उपवास करो। तो बोली मैं करूंगी, क्योंकि वही है कि मरता आदमी क्या नहीं करता, उसको तो जीना था, तो बोली मैं वो तैयार होगी। तो उन्हें 16 दिन का उपवास किया, 16 दिन खाली पानी के ऊपर उपवास किया। तो पानी के ऊपर उपवास करने से उनका क्या गया, वो जब टेस्ट कराया तो कैंसर बिल्कुल क्लियर, कोई कैंसर उसके अंदर था ही नहीं। तो ये सब देखते हुए तो भाई उपवास चिकित्सा जो है वो बहुत, उधर वो जो शेर का उदाहरण था उसमें भी वो उपवास ही किया था, उसने कुछ खाया नहीं। जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं, अगर आप ये देखो, जब ये बीमार हो जाते हैं तो ये उपवास रखते हैं, खाना छोड़ देते हैं और स्वयं ही सही हो जाते हैं। अब कहते भी हैं कि जब हमारी पोषण क्रियाएं शरीर के अंदर काम नहीं करती, जब हम खाना नहीं खाते, पोषण क्रियाएं नहीं चलती, तब हमारी निष्कासन क्रियाएं तेज हो जाती हैं। तो हमारी जो बॉडी की को डिटॉक्स करने वाली, बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकालने वाली क्रियाएं ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो इस तरह से आप उपवास करके भी अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। उपवास भी कई प्रकार के हैं, रस के द्वारा आप उपवास कर सकते हो, कि मतलब इनके ये है कि आप रस पे उपवास कर रहे तो लगातार अपने रस पे करना है, एक ही फल का रस, फल के ऊपर कर रहे तो फल के, इनके कल्प होते हैं वो 10 से 15 दिन तक चलते हैं, आप उसकी मात्रा थोड़ी 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 करके बढ़ाते हो, और बढ़ाते हुए इसको उपवास करना बहुत आसान है, लेकिन उसको बंद करना ज्यादा कठिन काम है। क्योंकि उपवास के बाद आपका बॉडी क्लीन हो जाती है, उसके बाद ऐसा नहीं कि आप दवा जब पूरा खाओगे तो फिर वो आपको नुकसान करेगा। जैसे नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखते हैं, उसके बाद हलवा पूरी खा लेते हैं, तो वो उपवास तो आपको फायदेमंद नहीं हुआ। तो जब ये मट्ठे पर उपवास करते हैं, यदि किसी को पेट की प्रॉब्लम है, पेट में खाना हजम नहीं होता, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वो मट्ठे पर उपवास करते हैं, 10-15 दिन मट्ठा ही मट्ठा लेते हैं और पूरी तरह से वो स्वस्थ हो जाते हैं। एक चीज का उपवास करते हैं और ये फल पर किया, दूध पे किया, अब वो अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरह से, किसको किस तरह की प्रॉब्लम है, किसको दूध पे उपवास करना है, किसको फल पे करना है, किसको रस पे करना है, किसको पूर्ण उपवास करना है। जैसे सावन के महीने में हमारे यहाँ भी होता है कि भाई एक एक समय खाना खाते हैं, क्योंकि पता है बरसात के दिनों में जो हमारी जो पाचन क्रिया है वो थोड़ा मंद पड़ जाती है, इसलिए उसमें दही का सेवन और मट्ठे का सेवन नहीं करते सावन भादों में। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं। तो हमें मेन ये है कि हम क्या खाते हैं, मित भूख, हित भूख और ऋतु भूख, मतलब जो हितकारी हो और जो ऋतु के अनुसार हो और जितनी भूख हो उतना हम खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आहार ही औषधि है और आहार ही हमारे रोगों का कारण है। यदि हमें खाने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या खाए, इससे हमें कितना पोषण मिलेगा, हमारे शरीर के अंदर इस खाने के साथ हम कितने अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल क्या है, बर्गर, पिज्जा, ये वो फास्ट फूड, वो सब पता नहीं कितना सब कुछ है। तो भाई प्राकृतिक चिकित्सा का तो ये है कि उबला खाओ, ज्यादा तेल मसाले छोंक नहीं खाओ। तीन चीजों में बताते हैं, तीन चीज जो वाइट जो है, मैदा, नमक और ये चीनी। तो ये वाइट चीज जो है बॉडी के लिए खराब है, और तीन ब्लैक चीज है, चाय, कॉफी और कोको कोला। तो इन सब चीजों को प्राकृतिक चीजें बताते हैं कि भाई इन चीजों से दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए, तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आहार चिकित्सा हमारे मेन है,
हम आहार के द्वारा ऋतु के अनुसार किस ऋतु में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और भाई जो है कुछ आहार ऐसे होते हैं जिनका एक दूसरे के साथ मेल है, विरुद्ध आहार ना लें, जैसे नमक के साथ दूध नहीं लेना, या कुछ आहारों का आपस में मेल नहीं होता, जैसे तरबूज खरबूजे के साथ दूध नहीं लेना तो एकदम से उल्टी हो जाएगी, वो पॉइजन बन जाता है, फूड पॉइजनिंग कर देता है। तो कुछ इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा जो ये है कि हमारे शरीर में 80% जो है अगर हम अल्कलाइन डाइट लेंगे और 20% एसिडिक डाइट लेंगे तो हमारा शरीर वैसे ही स्वस्थ रहेगा। हम एसिडिक डाइट ज्यादा लेते हैं, अल्कलाइन डाइट कम लेते हैं। अल्कलाइन डाइट के अंदर क्या क्या आता है वो आप सभी को मालूम है, जिससे कि जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, खीरा है, नींबू है, रस वाले जितने भी वो हैं, हरी सब्जियां हैं, तरकारी हैं। एसिडिक डाइट में दूध, डेयरी प्रोडक्ट और ये इस तरह का मैदा, आटा, चावल, दालें, ये सब आती हैं। तो हमें अपने आहार को वॉच करना चाहिए, हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक पशु पक्षी को आप डालोगे तो वो पहले कोई भी वो बीमार हो जाता है, वो सूंघता है, वो देखता है, उस खाने की जांच परख करता है, यदि उसको वो अच्छा लगता है, वो सही लगता है, उसकी स्मेल करके अगर वो खाने लायक नहीं है, उसमें दुर्गंध है कुछ है, तो वो नहीं खाता, उसको छोड़ देता है। लेकिन इंसान क्या है, इंसान भाई बाजार से पैकेज में लाया पैक फूड जो आते हैं लेता है, वो कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, लेकिन उनमें टेस्ट है, टेस्ट डेवलप हो जाता है, टेस्ट के अनुसार में उसको खाते रहते हैं और अपनी बॉडी और बीमार होते रहते हैं। तो रोगों अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमारे जो शरीर सृष्टि का निर्माण कोई भी चीज है जो जहां से शुरू हुई और वहीं पर उसकी चिकित्सा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी हानिकारक नहीं हो सकती और वो उसके लिए हमेशा ही लाभप्रद होती है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर का निर्माण है वो पांच तत्वों से हुआ है और उन्हीं पांचों तत्व ही हमारे शरीर के लिए किसी न किसी रूप में हमेशा लाभदायक रहते हैं, वो कभी भी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते। परंतु मनुष्य के अंदर ये आधुनिकीकरण के चक्कर में अभी ये बल्कि पाश्चात्य लोग जो विदेशी लोग हैं वो इंडिया में आकर इंडिया के खाने को और उसकी चीजों को और उसकी प्राकृतिक चिकित्सा को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन इंडियन जो लोग हैं वो पाश्चात्य को अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि हमारी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल सही नहीं है, रात भर जगना, दिन में सोना, सूर्य निकलता है, श्याम में चांद निकलता है, तारे निकलते हैं, किसके साथ जगना है, किसके साथ सोना है, वो सिस्टम अब चेंज हो चुका है, इसीलिए हम बीमारियों से ग्रसित होते रहते हैं। तो इन चीजों पर हम ध्यान रखते हुए अगर हम अपने आहार पर ध्यान देंगे, अपने एक मुख्य रूप से आहार एक बहुत बड़ी चिकित्सा है कि आप अपने आहार को सही ढंग से लेंगे तो आप तब भी स्वस्थ रह सकते हैं। आज के पूरे सेशन में अगर आप 4-5 चीज भी पकड़ कर चलते हैं तो भी ये लगता है कि जो मैंने सेशन लिया, तो कुछ लोग अगर इसको पकड़ के चले या एक एक दो दो चीज भी अगर लेकर चले अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और वो यूजफुल सेशन होगा। जैसे कि पानी कैसे पीना, खाने के पहले, खाने के बाद में, कितनी देर के बाद पीना, खाने के साथ नहीं पीना, बैठ कर पीना, ज्यादा पानी पीना, ऊसा पान करना, कब पीना कब नहीं पीना, वो पानी पीने का विधान अगर आपके समझ में आ गया तो आप 50% बीमारी उसी से खत्म कर देंगे। दूसरा आहार, आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, किस समय खाना, सुबह के समय क्या खाना, रात में क्या खाना, किस ऋतु में क्या खाना, किस मौसम में क्या खाना, किस मौसम, जितने मौसमी फल हैं वो मौसम के हिसाब से आते हैं। अगर आप मौसम के हिसाब से खाओगे तो आधी चीज तो वैसे ही, अब क्या है जो भी 12 महीने हर चीज आती है मार्केट में, वो कोल्ड स्टोर से रखी हुई होती है, लेकिन मौसम के अनुसार ही खानी चाहिए। तो हमारे आहार को, पानी को और शारीरिक श्रम, एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज तो हम भूल ही गए, क्योंकि एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे
तो हमारे बॉडी के टॉक्सिन बॉडी में लचक कैसे आएगी, कड़ापन आ जाता है, जोड़ कड़े हो जाते हैं, ब्लड का संचार प्रॉपर तरीके से नहीं होता, तो हम बीमार हो जाते हैं। सब कुछ आधुनिकरण हो गया, सब चीजें मशीन आ गई, हर जगह मशीन आ गई, कपड़े धोने की मशीन, ये मशीन वो मशीन, माई है ये है, घर में काम सारी श्रम नहीं रहा, उसकी वजह से भी हम बीमार होते हैं। तो बीमार होने के कई कारण यही है कि हम अपनी इन प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, नेचर की शरण में जाएं, पृथ्वी के ये अपने प्रकृति के द्वारा प्रदान किए हुए पांचों तत्व को सही तरीके से उपयोग करें। उसके बाद भी यदि हम बीमार हो जाते हैं तो किस तत्व का कब कैसे उपयोग करना, ये हम किसी योग्य चिकित्सक के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। और भाई सब डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप साल में एक बार दो बार प्राकृतिक चिकित्सा के सेंटर सब जगह हैं, उसमें जाकर 15 दिन जाकर वहाँ अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं और वहाँ का माहौल देख सकते हैं और अपने शरीर को एक नव जीवन प्रदान करके स्वस्थ हो सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बता। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था आपका। तो अभी किसी को कुछ पूछना है? छा गए पूनम आंटी, बहुत अच्छा सेशन लिया है, वेरी गुड। अच्छा मेरे को तो लग रहा था पता नहीं क्या होगा। नहीं, बहुत अच्छा लिया है, बहुत अच्छा लिया।